बिस्मिल्ला सिंगाड़ा खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं सिंगाड़े में कौन से गजाई अज़ाब पाए जाते हैं क्या सिंगाड़े खाने से मनी गाड़ी होती है और मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है और इस तरह के जितने भी सवाल हैं इन सब पर आज हम फसील के साथ बात करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी सिंगाड़े की अफादियत के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी सिंगाड़ा एक मुफीद फल ही नहीं बल्कि एक दवा भी है सिंगाड़ा पानी के नीचे उगने वाला मुखरूती शक्ल का फल है और अपनी इस शक्ल की वजह से नापसंदीदा लफज के तौर पर बोला जाता है इस फल को उर्दू में संगाड़ा और अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट कहते हैं सर्दियां शुरू होते ही मंडियों और बाजारों में दुकानों पर ग्राहकों की नजर में आना शुरू हो जाता है जनूबी एशिया में आमतौर पर इस मेवे या फल को सिंगाड़ा के नाम से जाना जाता है जबकि समेत इसके और भी नाम सिंगाड़ा पौधे की जड़ों में उगता है इसकी सबज रंग की टहनियों पर पत्ते नहीं उगते इसके अंदर का गूदा सफेद रंग का होता है जिसे आमतौर पर कच्चा या उबाल कर खाया जाता है और पीस कर आटा बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज खानों में संगाड़ा कसरत से इस्तेमाल किया जाता है सिंगाड़ा हल्के बहते पानी पर काश्त किया जाता है इसलिए संगाड़े के फल में इस वक्त कुछ नुकसानदेह दवाद हो सकता है जबकि इसे ताज़ा उतारकर कर फरोख्त किया जाए मगर मुनासब तरीके से धोने के बाद इसका तोज़न बहाल हो जाता है इसके छिलके उतारने या किसी मशरूम में टुकड़े करके डालने सलाद में इजाफे सूप सालन या कड़ी में डालने से कबल सात मिनट तक उबाला जाए या भूना जाए या बाप में रखा जाए तो बेहतर है इसे पिज़्ज़ा की ऊपरी सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसे पूरे चिकन में भरकर भी खाया जा सकता है इसे पाउडर बनाकर केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि अचार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है सिंगाड़े में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मकदार में पाए जाते हैं प्रोटीन वाइटामिन बी पोटाशियम और कॉपर भी काफी मकदार में होते हैं कच्चा सिंगाड़ा हल्का मीठा और खस्ता होता है जबकि उबला हुआ सिंगाड़ा और भी ज्यादा मज़ेदार और जायकेदार हो जाता है सिंगाड़े का जायका बिल्कुल मुनफरिद किस्म का होता है और इसके खाने से भूख में भी इजाफा होता है अगरचे सिंगाड़े में मौजूद कैलोरीज दूसरी सब्जियों सब्ज पत्ते पत्तों वाली सब्जियों की नस्बत कम होती है तहम इसमें मौजूद आयरन पोटाशियम कैल्शियम जिंक और फाइबर की मकदार इसके इस्तेमाल में अजाफ़े का बायस बनती है संगाड़े के इस्तेमाल से थकावट दूर होती है और जिसम में खून की तरसील बेहतर होती है जचगी के बाद औरत के लिए संगाड़े के आटे का इस्तेमाल मुफीद रहता है संगाड़े के आटे को गूँद कर जिसम की सूझी हुई जगह पर लेप करने से तकलीफ खत्म हो जाती है संगाड़े के आटे से बना हुआ सफूफ खांसी से निजात दिलाता है संगाड़े को पानी में उबाल कर पीने से कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाती है। मेदे और अंतड़ियों के ज़ख्मों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है याददाश्त कम होने के इमकान काफ़ी हद तक कम करता है सिंगाड़ा पोशीदा मराज के शिकार मरदो खातन के लिए अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफ है खवातीन के महाना निज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है संगाड़े के सफूफ में दूध या दही मिलाकर इस्तेमाल करने से पेचिस से आराम आता है और इसके इस्तेमाल से दांत चमकदार और मसूड़े सेहतमंद होते हैं नवंबर के दूसरे हफ्ते से फरवरी तक सर्दी पड़ती है इसमें भी संगाड़ा जुकाम और सर्दी का मुकाबला करने में मुआवन बनता है पेशाब की ज्यादि बड़े बूढ़ों को बहुत ज्यादा तंग करती है खूस सर्दी के मौसम में बार बार उठना बहुत तकलीफ का बास बनता है ऐसी कफ़ीत में पचास ग्राम उबले हुए संघाड़े खाने शुरू करें, आहिस्ता आहिस् मकदार बढ़ाते जाए मगर 150 ग्राम से ज्यादा ना खाएं दो तीन हफ्ते तक मुसलसल इस्तेमाल कर लें इससे ना सिर्फ बदन में ताकत आएगी बल्कि बार बार पेशाब की हाजत भी खत्म हो जाएगी अगर ताजा सिंगाड़े ना मिले तो सूखे हुए संगाड़े का एक तोला सफूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल नौजवान लड़के चटपटे बाजारी खाने से काफी मसाइल का शिकार हो जाते हैं इससे इनका मेदा खराब होना और जिसम में गर्मी भी बढ़नी शुरू हो जाती है पेशाब के साथ कतरे आना शुरू हो जाते हैं या फिर इतलाम कसरत से होने लगता है फिर वो जाली हकीमों के पास जाकर इलाज कराते हैं जिससे इनकी सेहत का और भी ज्यादा नुकसान होता है जिसमानी कमजोरी बढ़ती जाती है जिसम में ताकत बिल्कुल नहीं रहती असाब हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं काम काज करने और पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता बदन खोखले कर देने वाले मादे सेहत को जंग लगा देते हैं चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है नकाहत किसी काम का नहीं छोड़ती दिमागी कमजोरी काम नहीं करने देती इन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए संगाड़ा एक नियमत से कम नहीं सिर्फ सात आठ दाने उबले हुए संगाड़े के नाश्ते में रोजाना इस्तेमाल करने शुरू कर दें। चंद दिन के इस्तेमाल से ही ये तमाम खराबियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी अब बात कर लेते हैं कि संगाड़े के और दीगर फवायद कौन से हैं संगाड़े के इस्तेमाल से दांत मजबूत और चमकदार हो जाते हैं इससे मसूड़े भी मजबूत होते हैं जख्मों से खून बहने को रोकता है इसे अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है बैरूनी तौर पर संगाड़े का शफूफ जख्मों पर छिड़का जाता है गुर्दे की खराबी की वजह से खांसी को फौरन रोकता है और गुर्दे की सलाह भी करता है दूध बेचने वाले भी संगाड़े के आटे को दूध में मिलाकर उबालते हैं ताकि मलाई उसमें ज़्यादा आए जो लोग शदीद कोत बाह की कमज़ोरी का शिकार हैं वो संगाड़े का हलवा बनाकर इस्तेमाल करें बहुत जल्द कोवते बा की कमी दूर हो जाएगी हलवा बनाने के लिए संगाड़े का आटा तीन तोले लें घी छः तोले लें और उसके घी के अंदर संघाड़े के आटे को अच्छी तरह भून लें उसके बाद छे तोले चीनी लेकर उसकी चाशनी तैयार कर लें और बुने हुए आटे में मिला दें तो आपका मजेदार सा संगाड़े का हलवा तैयार है इसे आप इस्तेमाल करें जो कि बेहद मुकविये बा होता है इसके अलावा सिंगाड़ा नशे और खुमार को भी दुरुस्त करता है जरियान की शिकायत में संगाड़े का इस्तेमाल मुफीद होता है ऐसे लड़के जिनको जरियान या इहतलाम का मसला है वो संगाड़े का इस्तेमाल लाजमी करें ऐसी खवातीन जिनको लकोरिए का मसला है और काफ़ी पुराना मसला है बहुत दवाइयाँ खाने के बाद भी लकोरिया ठीक नहीं हुआ तो वो भी सिंगाडे का इस्तेमाल कर सकती हैं सिंगाडे को ज़्यादा मकदार में खाने की सूरत में पेट दर्द की शिकायत हो सकती है इसलिए मुनासब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए सिंगाड़ा हलक की खुशकी को दूर करता है अमराज कलम में सिंगाड़े का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है जिसमानी कमज़ोरी को दूर करता है और जिसम को फरबा करता है जो लोग सेहत के हवाले से सिंगल पसली हैं और जिसम को थोड़ा सा हेल्थी करना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल करें इन श्ला चंद दिनों के अंदर ही उनका जिसम भरना शुरू हो जाएगा गुर्दा और मसाना की पत्थरी को तोड़ता है सफरावी बुखार में छ माशा सिंगाड़े का सफूफ पानी के साथ खाने से काफ़ी इफ़ाका होता है तपदिक सेल को रोकने और तापदे की बीमारी की सूरत में संगाड़ा खाना मुफीद रहता है खूनी पेचिस आने की सूरत में संगाड़े का इस्तेमाल बेहद मुफीद है अगर ताज़ा संगाड़ा ना मिले तो खुशक संगाड़ा एक तोला पीस कर सुबह दोपहर और शाम पानी के साथ लेने से फौरन अफाका होता है इसे दही के साथ भी खाया जा सकता है तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन संगाड़े का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे संगाड़ा खुद भी खाएं और अपने दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बर्स को भी इस संगाड़े को खाने की तलगीन करें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह